अस्सलाम वालेकुम जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम सर जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम थोड़ी देर में। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने कल ओवरहेड्स का चैप्टर स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने ये देखा कि ओवरहेड्स कहते किसको हैं, सम ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नोन एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिर हमने डिपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट रिवाइज किया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं। फिर हमने कॉस्ट कार्ड को रिवाइज किया और हमने कहा कि इस चैप्टर के एंड पे हम इस काबिल होंगे कि हम ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, हम इनकी कैलकुलेशन कर सकें कि पर यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने डॉलर के होंगे। प्राइम कॉस्ट में ऐड करने के बाद ये प्रोडक्शन कॉस्ट बन जाती है। फिर हम इसमें सेलिंग ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, तो ये टोटल हो जाएगा टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट ऐड किया जाता है तो सेल प्राइस आ जाती है। फिर हमने अपने चैप्टर का आगाज किया अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स में। तो मैंने बताया आपको कि देयर आर फोर स्टेप्स। फर्स्ट वन इज द एलोकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेकंड इज अपोर्शनमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, थर्ड इज री अपोर्शनमेंट एंड द फोर्थ वन इज अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। एलोकेशन हमने पढ़ी। एलोकेशन में हमने ये देखा कि जिस डिपार्टमेंट का खर्चा है, हम उसी डिपार्टमेंट को उसका एक्सपेंस चार्ज कर देते हैं। मोस्टली इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल्स और इनडायरेक्ट लेबर होते हैं। तो हमने इसकी इलस्ट्रेशन भी कल कर ली। एक क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें से हमने इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, डिपार्टमेंट वाइज जिस डिपार्टमेंट की जितनी बनती थी उसके सामने हमने लिख दी। फिर हमने अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट सीखा। अपोर्शनमेंट में जो मेन चीज थी कि कॉमन कॉस्ट होनी चाहिए, जैसे रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी होगी, डेप्रिसिएशन होगी, इंश्योरेंस होगी। इन कॉमन कॉस्ट को जिस जिस डिपार्टमेंट ने बेनिफिट लिया है उनमें डिवाइड करना है, लेकिन डिवीजन के लिए कोई अप्रोप्रिएट बेस होनी चाहिए। हमने उस बेस का कॉन्सेप्ट सीखा, लाइक रेंट किस पे होना चाहिए, फ्लोर एरिया पे, इलेक्ट्रिसिटी किस पे होनी चाहिए, यूजेज पे, डेप्रिसिएशन किस पे होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ मशीनरी पे। तो इस तरह हम
कॉमन कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे। और हमने डिवाइड करना भी देखा, एक बहुत आसान सी कैलकुलेशन थी, फिर जो आंसर आता था उसे हम डिपार्टमेंट वाइज लिख देते थे। जब एलोकेशन हो गई, अपोर्शनमेंट हो गई, तो हमने फिर उन दोनों का टोटल किया, तो डिपार्टमेंट वाइज बन गया एलोकेटेड एंड अपोर्शनड ओवरहेड्स। जब हमने उन दोनों को किया, तो ये चीज आपको कल मैंने करके दिखाई थी कि हमने एलोकेशन भी कर ली, अपोर्शनमेंट भी कर ली। तो इस चीज का जो नाम हमने दिया वो लिखा टोटल एलोकेटेड एंड अपोर्शनड ओवरहेड्स, यानी मैं एलोकेशन भी कर चुका हूं, अपोर्शनमेंट भी कर चुका हूं। ईडी लिखा हुआ है, एलोकेटेड अपोर्शन, यानी दोनों काम हो चुके हैं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के भी टोटल बना लिए, सर्विस डिपार्टमेंट का भी टोटल बना लिया। फिर हमने अगला कॉन्सेप्ट ये सीखा कि जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हुआ करेंगे, उनके जो एलोकेटेड एंड अपोर्शन ओवरहेड्स आए हैं, इनको अब निल करना है। निल कैसे करेंगे, खत्म कैसे करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे जिस जिस डिपार्टमेंट ने इनसे कोई बेनिफिट लिया है। जैसे कैंटीन है, तो हमने कल एक ऐसा सिनेरियो भी पढ़ा कि कैंटीन को डिवाइड किया सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, और मेंटेनेंस को भी डिवाइड किया सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो वो था डायरेक्ट मेथड। फिर जब हमने इनडायरेक्ट मेथड पढ़ा, तो उसमें हमने देखा कि कैंटीन को हमने डिवाइड किया तीन हिस्सों में, किस किस में, असेंबली में, फिनिशिंग में और मेंटेनेंस में, और मेंटेनेंस को डिवाइड किया सिर्फ और सिर्फ किस में, असेंबली और फिनिशिंग में। तो ये जो मेथड है इसको स्टेप डाउन कहते हैं। तो आज हम रीअपोर्शनमेंट में जो एक लास्ट मेथड रह गया था रेसिप्रोकल मेथड, आज हम उसको करने जा रहे हैं। तो रेसिप्रोकल में होगा ये कि मेंटेनेंस भी तीनों में डिवाइड होगा, किन तीनों में डिवाइड होगा, प्रोडक्शन वाले में और कैंटीन में, और कैंटीन किस में डिवाइड होगी, वो भी बाकी तीनों में। यानी हर सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कोई सर्विसेज दे रहा है, तो उस सर्विसेज के अगेंस्ट कॉस्ट चार्ज हो रही है। तो ये रीअपोर्शनमेंट हमने कल दो मेथड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड कर लिया था। ये हमने यहाँ तक ये सारा कुछ कर लिया था, ये डायरेक्ट मेथड से हमने किया है, ये डायरेक्ट अपोर्शनमेंट लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्ट से हमने इसे सॉल्व किया। देन हमने इसका टोटल बना लिया डिपार्टमेंट वाइज, और मेंटेनेंस और कैंटीन दोनों निल हो गए, तो यही हमने इनको खत्म ही करना था। फिर हमने स्टेप डाउन मेथड में देखा इसी इलस्ट्रेशन को, तो इसी इलस्ट्रेशन को जब स्टेप डाउन से किया तो आंसर थोड़ा थोड़ा चेंज आ गया, लेकिन ये दोनों डिपार्टमेंट्स निल हो चुके हैं। तो यहां तक मैं आपको करवा चुका था, ये एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन आपको मैंने कहा था कि ये कर लीजिएगा। होप्स हो के ये आपने कर ली होगी। कुछ लोगों ने मेरे साथ व्हाट्सएप पे इसका सॉल्यूशन शेयर कर लिया था और आंसर बाकियों ने मैच कर लिया होगा। तो अब हम आज रीअपोर्शनमेंट का जो रेसिप्रोकल मेथड है उसे सीखने जा रहे हैं। जी, अब ये इलस्ट्रेशन फोर, रेसिप्रोकल रीअपोर्शनमेंट। द टोटल ओवरहेड्स एलोकेटेड एंड अपोर्शन टू द प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स ऑफ एलएस लिमिटेड आर एज फॉलोज, असेंबली, फिनिशिंग, मेंटेनेंस, कैंटीन। ये वही इलस्ट्रेशन चल रही है, ये वही एलोकेटेड एंड अपोर्शन ओवरहेड्स का टोटल है। अब आगे क्या कहते हैं, अ सूटेबल बेसिस फॉर शेयरिंग आउट द मेंटेनेंस कॉस्ट इज द टाइम स्पेंट सर्विसिंग इक्विपमेंट, द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट बाय द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सर्विसिंग इक्विपमेंट इन द अदर थ्री डिपार्टमेंट्स हैज बीन एनालाइज्ड एज फॉलोज। कहते हैं जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसने तीन डिपार्टमेंट्स में काम किया, असेंबली को 50%, फिनिशिंग को 40%, कैंटीन को 10%। अब देखें मेंटेनेंस तीनों में डिवाइड हो गया, पिछली जितनी दो इलस्ट्रेशंस की हैं उसमें मेंटेनेंस सिर्फ प्रोडक्शन में डिवाइड होता था। तो अब क्योंकि ये हमें रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा है, इसलिए इसने यहां पे हमें मेंटेनेंस की कुछ परसेंटेज कैंटीन में शेयर करने के लिए भी बता दिया। द कैंटीन डिपार्टमेंट्स ओवरहेड्स
are to be reapportioned on the basis of number of employees in the other three departments. तो देखें ये कैसा सीन बन गया है कि जब मैं मेंटेनेंस को डिवाइड करता हूं तो मेंटेनेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है असेंबली डिपार्टमेंट में, फिनिशिंग में और कैंटीन में। कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है? वो कहता है 50% इधर, 40% इधर और 10% इधर। तो मेंटेनेंस तीनों में डिवाइड हुआ। इसी तरह जब कैंटीन को करना है तो कैंटीन भी कहता है इंप्लॉइज की बेस पे डिवाइड होगी अदर थ्री में, यानी असेंबली को भी कुछ शेयर जाएगा कैंटीन का, फिनिशिंग को भी कुछ शेयर जाएगा और मेंटेनेंस को भी कुछ शेयर जाएगा। यानी ये वही वाली चीज होगी कि जब S1 डिस्ट्रीब्यूट होता था तो बाकी तीनों में, और S2 डिस्ट्रीब्यूट होता था तो वो भी बाकी तीनों में। तो ये रेसिप्रोकल है, यानी हर सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को कॉस्ट चार्ज करवा रहा है। अब कैंटीन जो है वो किस तरीके से कॉस्ट चार्ज करेगी? नंबर ऑफ इंप्लॉइज। अब बेटा बात गौर से सुनिएगा, रेसिप्रोकल में आपके पास जो शेयरिंग की बेसिस है ना वो परसेंटेज में होनी चाहिए। अगर परसेंटेज में नहीं है तो पहले उनकी परसेंटेज बना लें, आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे देखो मेंटेनेंस का उसने खुद ही बता दिया कि 50% ऑफ द मेंटेनेंस इज टू बी शेयर्ड विद असेंबली डिपार्टमेंट, 40% ऑफ द मेंटेनेंस इज टू बी शेयर्ड विद फिनिशिंग डिपार्टमेंट, 10% ऑफ द मेंटेनेंस कॉस्ट विल बी शेयर्ड बिटवीन कैंटीन डिपार्टमेंट। तो ये परसेंटेज दी थी, लेकिन जब हमने कैंटीन का डाटा देखा तो उसने इम्प्लॉइज दे दिए कि इम्प्लॉइज की बेस पे होगा। तो मैंने आपको ये सुजेस्ट किया कि अगर परसेंटेज ना हो तो पहले परसेंटेज बना लें। अच्छा, परसेंटेज कैसे बनेगी ये तरीका भी सीख लें। इन तीनों का टोटल कर लें, असेंबली, फिनिशिंग और मेंटेनेंस, क्योंकि कैंटीन को नहीं लेना, कैंटीन ने अपने कॉस्ट चार्ज नहीं करनी। तो कैंटीन को तो इग्नोर करेंगे क्योंकि कैंटीन ने अपने आप को तो कॉस्ट चार्ज ही नहीं करनी। इन तीनों का टोटल जो बना वो कितना बनता है? 60 बनता है। यानी टोटल इंप्लॉइज कितने? 60। अब अगर मैं देखूं तो असेंबली कितने परसेंट इंप्लॉइज रखता है? 18/60। तो 18/60 यानी 60 में से 18 लोग इसके हैं, तो इसका मतलब बना जी 30%। इसका मतलब क्या बन गया? 30%। इसी तरह दूसरे डिपार्टमेंट को करेंगे तो 30/60, तो ये तो सीधा सीधा 50% हो गया। इसी तरह जब तीसरे डिपार्टमेंट को करेंगे तो 12/60, तो ये 20% बनेगा। तो इन तीनों का सम 100 होना चाहिए, जैसे ऊपर वाली तीनों का सम क्या था? 100। यानी कोई भी चीज टोटल मैक्सिमम 100% होती है। तो अगर ये आंसर 100 आ गया तो इसका मतलब है आपने बिल्कुल सही परसेंटेज कैलकुलेट की है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करना भी आपने छोटी क्लासेस में सीखा था कि जैसे मार्क्स ऑब्टेंड की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो आप क्या करते हैं? मार्क्स ऑब्टेंड डिवाइडेड बाय टोटल। अब हमने इम्प्लॉइज की परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी, तो डिपार्टमेंट इम्प्लॉइज डिवाइडेड बाय टोटल इम्प्लॉइज। तो हमने वन बाय वन हर डिपार्टमेंट की परसेंटेज बना ली, तो ये परसेंटेज बन गई जी। 30% कैंटीन का खर्चा असेंबली को शेयर होगा, फिनिशिंग को 50% शेयर होगा और 20% मेंटेनेंस को शेयर होगा। मुझे ये बता दें कि आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। हमेशा याद रखिएगा कि रेसिप्रोकल में मुझे ये परसेंटेजेस चाहिए। जिसकी परसेंटेज नहीं होगी मैं सबसे पहले उसकी परसेंटेजेस बनाऊंगा। जी ठीक है। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो सिचुएशन ये बन चुकी है। सिचुएशन क्या बन गई है? अब जरा इस डायग्राम को भी समझिएगा। असेंबली, फिनिशिंग, मेंटेनेंस एंड कैंटीन, चारों डिपार्टमेंट्स के मैंने नाम लिखे। अच्छा, इनके एलोकेटेड एंड अपोर्शनड ओवरहेड्स, जो उसने मुझे क्वेश्चन में दे दिए हुए हैं,
कितने कितने दिए वो मैं डाटा से देख के, ये देखे 17,350, 23,970, 18,600 और 6,600। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमने वहां से देख के लिख लिए। और इन सब का टोटल भी अगर हम करना चाहें तो वो टोटल हमने कल किया हुआ था 66,520 था आई थिंक। इतने ओवरहेड्स इनके थे, अब हमसे वो करवाना चाहता है रीअपोर्शनमेंट, और कराना चाहता है इस बेस पे, ये जो ऊपर बेसिस बताएंगे परसेंटेजेस। अब जरा देखिएगा मैं क्या लिखने लगा हूं, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसकी कॉस्ट शेयर होगी बाकियों में किस रेट से, असेंबली में 50%। तो इसका मतलब है, यहां मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं कि 50%, ये देखे लेफ्ट साइड पे मैंने क्या लिखा है, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का 50% असेंबली में शेयर होगा, 40% फिनिशिंग में शेयर होगा, अपने आप को कुछ शेयर नहीं करेगा, और 10% कैंटीन को शेयर करेगा। तो टोटल 100% बन जाएगा इसका। मैं रिपीट करता हूं इस लाइन को, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट असेंबली डिपार्टमेंट को कॉस्ट देगा 50%। तो मैंने आसानी की खातिर लिख दिया कि मेंटेनेंस का 50% असेंबली में, ये लेफ्ट साइड पे मेंटेनेंस लिखा हुआ है, असेंबली के सामने 50%, फिर मेंटेनेंस और फिनिशिंग के सामने 40%, मेंटेनेंस और कैंटीन के सामने 10%। अच्छा, अब इसी तरह सेकेंड लाइन बनाते हैं, कैंटीन, कैंटीन की कॉस्ट कितने परसेंट असेंबली में जाएगी, 30%, 50% एंड 20%, और अपने आप को कुछ शेयर नहीं देगा, तो ये भी 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि अगर डाटा इस तरह का हो पेपर में, तो हमें फौरन पता चल जाएगा कि ये रेसिप्रोकल का डाटा है। ये डाटा कौन से मेथड का है, रेसिप्रोकल का डाटा है। कैसे पता चला कि मेंटेनेंस और कैंटीन दोनों सर्विस डिपार्टमेंट्स थे, जब इन सर्विस डिपार्टमेंट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कराया तो हमने प्रोडक्शन में भी डिस्ट्रीब्यूट किया, असेंबली फिनिशिंग में, और कैंटीन को भी। और इसी तरह जब कैंटीन को किया तो प्रोडक्शन वालों को भी डिस्ट्रीब्यूट किया और अदर सर्विस को भी। तो ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को कॉस्ट दे रहे हैं, तो इस तरीके को कहेंगे रेसिप्रोकल मेथड। समटाइम पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो इस फॉर्मेट में आता है जो मैंने आपके सामने बना दिया, यानी किस फॉर्मेट में, पेपर में, बजाय इसके कि लंबी स्टेटमेंट लिखने से वो इतना ही लिख देता है। तो ये जो चीज है ये भी रेसिप्रोकल को शो कर रहा है। जैसे आपने पिछली टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग की, उसमें आपने फॉरन पहचान लिया था कि ये स्टेप डाउन मेथड है, क्योंकि एक सर्विस दे रहा था कॉस्ट, दूसरे से कुछ नहीं ले रहा था, लेकिन यहाँ पे दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे से कॉस्ट शेयर कर रहे हैं, तो ये रेसिप्रोकल है। तो डाटा लिखने का स्टाइल ये भी हो सकता है, और ये भी है जो आपके सामने लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये तो हो गया जी डाटा को समझना। अगर हमने डाटा समझ लिया तो हमें क्वेश्चन करते हुए मसला ही कोई नहीं आएगा। इसीलिए मैं क्वेश्चन को समझाने पे ज्यादा जोर लगा रहा हूं, ताकि स्टूडेंट को अगर इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी कि मुझे दिया क्या गया था, तो फिर उसे अगला काम मुश्किल नहीं लगेगा। अच्छा जी, यहां पे अगर हम गौर करें, अब ये बात फिर आपने बड़े ध्यान से सुननी है, यहां पे अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं। ये जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की जो अपनी कॉस्ट है वो 18,600 है, और अगर हम मेंटेनेंस के नीचे देखें तो 20% इसे कहीं से मिल रहा है, यानी इसकी अपनी जो कॉस्ट होगी 18,600, उसका उसमें कुछ ऐड करना है, 20% ऐड करना है। अब परसेंटेज किसकी परसेंटेज, 100 की, 1,000 की, 10,000 की, किस चीज की परसेंटेज? तो अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो ये लिखा हुआ है कैंटीन। तो इसका मतलब ये बना कि जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसको 20% कैंटीन से मिलना है, यानी जितने ओवरहेड्स कैंटीन के होंगे उसका 20% इसे मिलना है। और इसी तरह अगर मैं कैंटीन को देखूं तो कैंटीन के अपने ओवरहेड्स हैं 6,600,
लेकिन इसे 10% शेयर मिलना है कहां से मिलना है, मेंटेनेंस से मिलना है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी कि मेंटेनेंस के जो टोटल ओवरहेड्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, 18,600 प्लस 20% ऑफ कैंटीन। मैं यहां पे एक इक्वेशन बनाने लगा हूं, टोटल ओवरहेड्स ऑफ मेंटेनेंस विल बी इक्वल टू 18,600 प्लस 20% ऑफ टोटल ओवरहेड्स ऑफ कैंटीन। ये पहले सवाल पे मैं जरा ज्यादा मेहनत करूंगा, इसलिए इसको यहां पे ही कोशिश करनी है आपने कि आपको फौरन समझ आ जाए। टोटल ओवरहेड्स ऑफ मेंटेनेंस विल बी इक्वल टू 18,600 प्लस 20% ऑफ कैंटीन। इसी तरह अगर मैं कैंटीन की ओवरहेड्स का बनाऊं इक्वेशन को, तो टोटल ओवरहेड्स ऑफ कैंटीन विल बी इक्वल टू 6,600 प्लस 10% ऑफ टोटल ओवरहेड्स ऑफ मेंटेनेंस। जी ये इक्वेशन समझ आ गई है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें क्या आपको ये इक्वेशन की लॉजिक समझ आ गई है। ओके, मेजॉरिटी को समझ आ गई है, सिर्फ एक मुझे नो का कमेंट आया है तो मैं रिपीट करता हूं। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है उसके जो ओवरहेड्स होंगे टोटल, तो अगर ये आपके सामने जो डायग्राम बनी हुई है 18,600 उसके ऑलरेडी एलोकेटेड एंड अपोर्शन थे, और मेंटेनेंस के कॉलम में देखें तो 20% लिखा हुआ है, और अगर मैं लेफ्ट साइड पे जाऊं तो 20% कहां से आ रहा है, कैंटीन से। तो इसका मतलब है कि जो मेंटेनेंस के टोटल ओवरहेड्स होंगे वो इक्वल होंगे 18,600 प्लस 20% ऑफ कैंटीन ओवरहेड, यानी कैंटीन के जो टोटल ओवरहेड्स होंगे उसका 20% लें, उसको 18,600 में ऐड कर दें तो वो मेंटेनेंस के टोटल ओवरहेड्स बनेंगे। इसी तरह जब मैं कैंटीन को देखूं तो कैंटीन के ऑलरेडी ओवरहेड्स हैं 6,600 प्लस उसे 10% शेयर आ रहा है मेंटेनेंस से, तो टोटल ओवरहेड्स ऑफ कैंटीन इज इक्वल टू 6,600 प्लस 10% ऑफ टोटल ओवरहेड्स फ्रॉम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो अब आपको क्वेश्चन समझ आ गई होगी। तो यही हमने देखा कि कैंटीन का टोटल किसके बराबर आएगा और मेंटेनेंस का टोटल किसके बराबर आएगा। अच्छा अब इनका टोटल है कितना, कुछ लोग कहेंगे जी कैंटीन का टोटल 6,600 है, मेंटेनेंस का 18,600 है। नहीं, 18,600 उसका ऑलरेडी है प्लस 20% आना है उसे। इसी तरह कैंटीन का ऑलरेडी 6,600 है प्लस 10% उसे आना है। तो मैं अब सपोज करने लगा हूं, लेट टोटल ओवरहेड्स ऑफ मेंटेनेंस इज इक्वल टू एक्स, मैंने इसे एक्स फर्ज कर लिया, और इसी तरह टोटल ओवरहेड्स ऑफ कैंटीन विल बी इक्वल टू वाई। अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, जहां पे टोटल मेंटेनेंस लिखा हुआ है वहां पे मैं लिखूंगा एक्स इज इक्वल टू 18,600 प्लस 20% ऑफ, यानी 20% लें किसका, लें टोटल ओवरहेड्स ऑफ कैंटीन का, और हमने टोटल ओवरहेड ऑफ कैंटीन को क्या कहा है, वाई कहा है। इसी तरह ये जो दूसरी इक्वेशन है टोटल ओवरहेड्स ऑफ कैंटीन वाई इज इक्वल टू 6,600 प्लस 10% किसका, 10%
टोटल ओवरहेड्स ऑफ मेंटेनेंस का, तो मेंटेनेंस के टोटल ओवरहेड्स को हमने क्या नाम दिया है, एक्स। तो यहां से इक्वेशन बनी एक्स इज इक्वल टू 18600 प्लस 0.20 वाई, 20% की परसेंटेज खत्म की। इसी तरह इसकी इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू 6600 प्लस 0.10x। अगर आपने डाटा पढ़ के सक्सेसफुली इक्वेशन बना ली तो अब आपका सवाल गलत नहीं होने वाला। आपने याद रखना है कि x में हमेशा जो शेयर आना है वो y से आना है, और y से जो शेयर आना है वो हमेशा x से आना है। स्टूडेंट एक मिस्टेक करता है कि जब वो इक्वेशन की बनाता है तो वो x की इक्वेशन में 0.2x लिख देता है, तो जो कि गलत हो जाता है। कभी भी कोई भी डिपार्टमेंट अपना शेयर अपने पास नहीं रखता, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसीलिए x की इक्वेशन में शेयर आ रहा है y से, और y की इक्वेशन में शेयर आ रहा है x से, और वो लॉजिकली प्रूफ भी हो गया आपके सामने, ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। जी मैं इस प्रोसेस को जहां से मैंने लेट किया है वहां से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मैं पहले वाले को दो दफा रिपीट कर चुका हूं। मैंने क्या किया, सपोज किया कि टोटल ओवरहेड्स जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के हैं ना वो इक्वल होंगे एक्स, और टोटल ओवरहेड जो कैंटीन के हैं वो इक्वल होंगे वाई। तो ऊपर वाली इक्वेशन में मैंने मेंटेनेंस की जगह पे एक्स लिखा तो वो बराबर होगा 18600 प्लस 20% ऑफ कैंटीन, तो कैंटीन को मैं फर्ज कर चुका हूं वाई, तो 20% ऑफ वाई बन गया वो। तो उसको सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन आ गई। इसी तरह मैंने दूसरी इक्वेशन में कैंटीन वाली में y इज इक्वल टू 6600 प्लस 10% ऑफ मेंटेनेंस था, तो मेंटेनेंस को मैंने x फर्ज किया हुआ है तो 10% ऑफ x बन गया। तो ये दो इक्वेशंस आ गए। अब आपने मैट्रिक में, FSC में, मैट्रिक में भी मोस्टली इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाया जाता है, तो आपने मैथ में इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूं, मैं इसी को कंटिन्यू करता हूं, मैं x की जगह पे, हम इसको ये कहते हैं ना इक्वेशन में कि x इसके बराबर है, x इस चीज के बराबर है, तो क्यों ना मैं यहां पे वैल्यू पुट करूं कि जो मेरी y की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 6600 प्लस 0.10x, तो मैं x की जगह पे x की वैल्यू लिखने लगा हूं। अब y इज इक्वल टू 6600 प्लस 0.10x, x किसके बराबर है, ये ऊपर वाली इक्वेशन x के बराबर है, यानी 18600 प्लस 0.20y। मैंने x की जगह पे ये जो 0.10x था मैंने 0.10 को वैसे ही रहने दिया और x की जगह पे x की वैल्यू लिख दी। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6600 अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 18600, तो ये हो गया 1860। अब ये वाली चीज इससे भी मल्टीप्लाई होगी और दरमियान में प्लस का साइन है, प्लस 0.02y। मल्टीप्लाई करके आप देख लें इतना ही बनता है 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, तो ये बना 0.02y। अब आप y वाली रकमें एक तरफ ले जाएं, y माइनस 0.02y will be equal to, ये आपस में ऐड हो जाएंगे 6600 प्लस 1860, तो ये बना जी 8460। और इसको अगर मैं y कॉमन ले लूं तो ये बना 1 माइनस 0.02 विल बी इक्वल टू 8460, और ये 1 में से 0.02 लेस हुआ तो बना 0.98, 8460। और y किसके बराबर आ जाएगा, 8460 डिवाइडेड बाय 0.98, तो y का आंसर आया जी 8633। पॉइंट्स में था, मैंने उसे टू द नियरेस्ट राउंड कर लिया, 8633 y का आंसर आ गया। अब y हमने किसे कहा था,
टोटल ओवरहेड्स ऑफ कैंटीन, वाई हमने किसको नाम दिया था, टोटल ओवरहेड्स ऑफ कैंटीन। अच्छा वाई आ गया मेरे पास, अब मैं एक्स बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं क्योंकि मेरे पास एक्स की इक्वेशन है, एक्स इज इक्वल टू 18600 प्लस 0.20 वाई, 18600 प्लस 0.20 वाई, वाई का आंसर क्या आया 8633। एट सिक्स डबल थ्री का आप 20% लें यानी 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो वो आया 1727। ये टोटल कितना हो जाएगा 20327। ये आपका एक्स का आंसर आ गया, और एक्स किसको नाम दिया था, टोटल ओवरहेड्स ऑफ मेंटेनेंस, यानी मैंने टोटल ओवरहेड्स मेंटेनेंस के और कैंटीन के दोनों के कैलकुलेट कर लिए, इसको इतने का स्क्रीनशॉट लें और इसको जरा खुद से रिवाइज करें और फिर मेरे से क्वेश्चन आंसर पूछें अगर आपका कोई बनता है। पहले एक दफा अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें मैंने क्या किया है, सिंपल सी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस हैं, इनको आप एक नजर देखें। जी मैंने कमेंट्स देखे हैं अभी, सब ने कहा है कि समझ आ गई है, लेकिन वो एक बात मैं आपको बार बार कहता होता हूँ कि आप लोग ना वो चीज़ें ना सोचा करें जो आपका काम नहीं है। मसलन मुझे 3-4 स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि सर 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतनी लंबी कैलकुलेशन, तो ये आपके इख्तियार में नहीं है कि आप 2 नंबर के लिए इतनी लंबी कैलकुलेशन दे सकते हैं या नहीं, ये आपकी चॉइस नहीं है। जो एग्जाम होगा आपका वो वेल मैनेज्ड होगा, अगर एक आधा सवाल इतनी लंबी कैलकुलेशन वाला आ भी जाए तो बाकी सवाल इस तरह के होंगे कि वो गिवन टाइम में हो सकें। और दूसरी बात ये है कि मैंने कल बताया था कि ओवरहेड्स का चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन भी वो देता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि मॉक में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर में भी एक क्वेश्चन लॉन्ग आ जाता है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी आप ये ना सोचा करें कि
दो नंबर के लिए मुझे इतनी सी कैलकुलेशन करनी है, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करनी है, ये तो बहुत गलत है। सारा पेपर इस तरह का नहीं होगा, तो इसलिए आप ये ना सोचें, आप चीज सीखा करें, ठीक है? आपने चीज सीखनी है, आपका काम है सीखना। एग्जामिनर आपसे बड़ा अच्छा पेपर पूछेगा जो वेल मैनेज्ड होगा, और आप जब उसको अच्छे तरीके से हल करेंगे तो वो आपको नंबर भी पूरे मिल जाएंगे, तो आपको आपका रिवार्ड मिल जाएगा। तो अगर वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन दे दे तो फिर तो जस्टिफाइड है ना। तो इसलिए मुझे नहीं पता कि उसने आपको 10 मार्क्स का देना है या 2 मार्क्स का देना है, तो मैंने आपको ये सारा काम कराना है। तो बस आप काम करते जाएं, आपका काम काम करना है, परेशान नहीं होना आपने। अच्छा, एक बच्चे ने कहा है, सर अगर हम पहले एक्स की वैल्यू निकाल लें, कोई मसला नहीं है, आप एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स का आंसर यही आएगा, और फिर जब आप एक्स को वाई में पुट करोगे तो वो वाई का आंसर यही आएगा, तो आप जिसको मर्जी पहले सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। जी, मेरा ख्याल है आपको ये कैलकुलेशन समझ आ गई। अगर ये कैलकुलेशन समझ आ गई है ना, तो फिर अब आगे वाला काम तो समझे हो गया, आगे वाले काम पे तो टाइम लगना ही नहीं है। ओके जी, मैं यहां पे आपको अब इसका सोल्यूशन कराता हूं, मैं अभी बुक के सोल्यूशन पे नहीं जा रहा। हमारे पास जी 4 डिपार्टमेंट्स हैं, असेंबली, फिनिशिंग, मेंटेनेंस एंड कैंटीन, एंड देयर इज आल्सो अ कॉलम ऑफ टोटल एलोकेटेड एंड अपोर्शन, शॉर्ट फॉर्म में कर लिया, 17,350, 23,970, 18,600, 6,600, और टोटल 66,520। मुझे तो डाटा ही याद हो गया, इतनी दफा कर लिया ये सवाल। अच्छा जी, ये हमने एलोकेटेड एंड अपोर्शन ले लिए, अब मैं आपको री अपोर्शनमेंट कराने लगा हूं। कौन सा मेथड है ये? रेसिप्रोकल मेथड। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, अब मेंटेनेंस का हमने टोटल क्या फाइंड किया है? मेंटेनेंस को हमने एक्स कहा था, मेंटेनेंस को हमने एक्स कहा था, तो एक्स का टोटल हमने जो फाइंड आउट किया है यहां पे वो है 20,327। तो मैं मेंटेनेंस के सामने 20,327 लिखूंगा, ठीक है? और कैंटीन, कैंटीन का जो टोटल है वो मैंने फाइंड किया वाई 8,633, तो मैं यहां पे नेगेटिव में 8,633 लिखूंगा, और मैं यहां पे एक कॉलम टोटल का भी बनाऊंगा जैसे मैं पहले कल बनाता रहा हूं,
ये इसका टोटल, ये इसका टोटल, ये इसका टोटल और ये इसका टोटल। अच्छा, मेंटेनेंस असेंबली में कितना शेयर होना है, 50%, 40% और 10%? इसका मतलब है मेंटेनेंस 50% असेंबली में चार्ज होगा, तो 20,327 का आप 50% ले लें, तो ये बना 10,164। 10,164, 63.5 आ रहा था, मैंने राउंड कर लिया है, पॉइंट्स में लिखा जा सकता है, कोई मसला नहीं। अच्छा, 10% कैंटीन में चला जाना है, तो 20,327 का 10% जब आप करेंगे तो वो बनेगा 2,033, और 40% फिनिशिंग में जाना है तो वो बना 8,131। इस सारी लेन का टोटल कर लें, ये जीरो होना चाहिए, यानी 10,164 प्लस 8,131 प्लस 2,033 माइनस 2,327, ये 1 आ रहा है, लेकिन वो 1 क्यों आया, हमने राउंडिंग की है, यहां पे भी राउंडिंग हुई है, यहां पे भी राउंडिंग हुई है, तो ऑलमोस्ट जीरो है। अगर राउंडिंग ना करें, एग्जैक्ट एग्जैक्ट फिगर लिखें, तो फिर ये जीरो होगा, यानी मेंटेनेंस के जो पैसे थे 20,327 वो हमने डिवाइड कर दिए, 10,164 असेंबली में चले गए 50%, फिनिशिंग में 40% चले गए और कैंटीन में इतने चले गए 10%। अच्छा, जो कैंटीन है, क्वेश्चन को देखें, जो कैंटीन है वो किस तरह डिवाइड हो रही है, 30% असेंबली में, 50% फिनिशिंग में और 20% मेंटेनेंस में, तो 30% 50% और 20% 30% 8,633 × 30%, तो ये बना 2,590। फिफ्टी परसेंट 8,633, इसका 50%, 4,317 राउंड कर रहा हूं, और 20% 8,633 × 20% 1,727, 20% इधर आ गया, 50% इधर आ गया, 30% इधर आ गया। अब आप चारों का टोटल कर लें, लेकिन जब आप मेंटेनेंस का टोटल करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, कैंटीन का टोटल करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और यही हमारा कॉन्सेप्ट था कि रीअपोर्शनमेंट में हमने सर्विस डिपार्टमेंट्स को निल करना है, तो हमने निल कर दिया, और वो निल होके कहां पे चार्ज कर देने हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में। तो ये आपकी मेंटेनेंस और कैंटीन का जो टोटल होगा वो निल हो जाएगा, जैसे हम कल करते रहे हैं, 6,600 प्लस 2,033 माइनस 8,633, आंसर इज जीरो। इसी तरह आप 18,600 में 1,727 ऐड करें और माइनस कर दें 20,327, तो ये भी जीरो होगा। तो ये जीरो ये साबित करता है कि आपने ओवरऑल जो प्रोसेस किया है वो सारा ठीक है। अच्छा, अब असेंबली का टोटल बना लें और फिनिशिंग का बना लें। Okay.
अच्छा, इन दोनों का टोटल कर लें। अब आपको पता है कि इनका टोटल क्या आना चाहिए? 66,520 आना चाहिए, और ये मुझे लगता है जैसे 22 है, तो ये क्यों आया 22? राउंडिंग की वजह से, जो राउंडिंग हुई है। अगर हम पॉइंट्स में चलते तो वो कोई डिफरेंस नहीं आना था, तो ये जो माइनर सी अमाउंट डिफर कर रही है वो राउंडिंग की वजह से है, तो इसलिए आपका आंसर ये बिल्कुल ठीक माना जाएगा। असेंबली का टोटल बन गया 30,104, फिनिशिंग का टोटल बन गया 36,418। जी, तो ये हमने रेसिप्रोकल से इसको किया है, ये इसका सॉल्यूशन है जो मेन काम हमने किया। और इससे पहले हमने वो इक्वेशंस बनाई थी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपके सामने वो इक्वेशन वाला सॉल्यूशन दोबारा कर लेता हूँ, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और अभी हम इस तरह के दो तीन सवाल करने लगे हैं ताकि जिसको जो कन्फ्यूजन रह गई है वो अगले सवालों में उसको कवर करें, बजाय इसके कि एक ही सवाल को बार बार रिपीट करें, हम नया सवाल करते हैं रेसिप्रोकल का। जी, ये वेरिएशन आपकी एक्सेप्टेबल है, वो कोई मसला नहीं। अभी मैं आपको बुक का सोल्यूशन भी दिखाता हूँ, तो बुक का सोल्यूशन भी देखते हैं। उसका तरीका मेरे तरीके से थोड़ा डिफरेंट है, उसमें और ज्यादा टाइम लगता है, उसमें बार बार डिवाइड करना पड़ता है, इसलिए मैंने पहले बुक का सोल्यूशन आपको नहीं दिखाया। तो वेरिएशन, इतनी सी वेरिएशन एक्सेप्टेबल है ये, बल्कि ये वेरिएशन तो ना होने के बराबर है। इसको आप दो हिस्सों में स्क्रीनशॉट ले लें, पहला आप इतना स्क्रीनशॉट लें इसका क्वेश्चन, और जो मैंने उसकी नेसेसरी वर्किंग की वो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब मैं इसका रिमेनिंग सोल्यूशन आपको दिखाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी, ये इसकी वो क्वेश्चन बनी, पहले आप चलें इतने को देख लें कि ये इक्वेशन बनी है, और फिर उसके बाद ये वाई और एक्स का सॉल्यूशन भी आपके सामने मैंने कर दिया। अच्छा जी, ये वो सोल्यूशन था जहां पे हमने लिखना था। अब देखें, ये बार बार आपसे वही काम कराएगा, ये इक्वेशन नहीं बनाता, ये बार बार रिपीट करता है। इसने पहले 6600 को डिवाइड किया है, फिर इसने 19920 को किया है, फिर ये डिवाइड करते 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 बार बार जाके इतनी देर के बाद जाके कहीं जीरो हुआ है इसका। और इसका देखें, ये आंसर ऑलमोस्ट हमारे आंसर के बराबर ही है, वही फर्क होगा $1 का, जो हमारा वो राउंडिंग की वजह से आ रहा है। अगर हम भी राउंड ना करते तो कोई इशू नहीं था। तो ये आंसर ऑलमोस्ट सेम है, और पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुआ तो वो इस तरह $1 का फर्क नहीं देगा, वो अगर फर्क देगा तो वो ज्यादा फर्क होगा, इसलिए आपसे इस चीज पे एग्जामिनर आपसे ट्रिक नहीं खेलेगा कि $1 के फर्क की वजह से ऑप्शन ए और बी बन जाए, ऐसा नहीं होता। पेपर में वो जो डिफरेंस होता है वो ज्यादा ज्यादा डिफरेंस देता है, ताकि अगर किसी का $5-10 का राउंडिंग की वजह से फर्क आया है तो उसका आंसर गलत ना हो, तो इसलिए आपने वो परेशान नहीं होना। अब ये वो इक्वेशन वाला तरीका भी नीचे बता रहा है, तो देखें इक्वेशन वाले में ये परसेंटेज दी हुई थी, ये हमने बनाई 30%, 50%, 20%, तो ये अब उसी चीज को इक्वेशन से करने लगा है। अच्छा, ये जो मेथड है जिसमें हम इक्वेशन नहीं बनाते, इस मेथड का नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, रिपीटेड क्यों कहते हैं? बार बार रिपीट हो रहा है, हमने बार बार वही लंबा प्रोसेस किया, फिर जाके कोई 4-5 दफा रिवाइज करने के बाद
डिवाइड करने के बाद फिर जाके ये हुआ, बल्कि यहाँ भी ना इसने जबरदस्ती नील किया है। ये देखें, ये वन की एडजस्टमेंट डाल रहा है कि ये वन, अब मैं बस वन को क्या डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो इक्वेशन में डायरेक्टली पहली दफा ही एक ही दफा डिस्ट्रीब्यूट करने से जीरो हो जाता है, बस इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करना जरूरी होता है। अच्छा जी, तो ये इक्वेशन आ गई, उसने, मैंने एक्स और वाई सपोज किया था, उसने मेंटेनेंस को एम कह दिया है और कैंटीन को सी कह दिया है। लेकिन अगर आप देखें तो आंसर इसका वही आ रहा होगा, 20,327 और 8,633, आंसर इसका वही है, सेम है, कोई मसला नहीं है। तो ये मैंने आपको करवा दिया जी, और ये बाद में आंसर उसका आ गया असेंबली का इतना, फिनिशिंग का इतना। तो हमारा भी वही एक एक डॉलर का राउंडिंग का डिफरेंस है, अदरवाइज हमारा आंसर सेम है जी। मैं अब आपको यही चीज इस टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 से रिपीट कराता हूं, बजाय इसके कि मैं उसी सवाल को रिपीट करूं, अब हम नया सवाल देखते हैं। तो अब जिनको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह गई है वो जरा एक्टिव हो जाए, 5 मिनट की हम ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद हम एक नए अजम के साथ इसको सीखेंगे, और इस इलस्ट्रेशन के बाद आपको ये आता होगा। 5 मिनट की ब्रेक करते हैं, 12:40 पे हम स्टार्ट करेंगे।
जी स्टार्ट करते हैं जी दोबारा। एक सवाल का मुझे काफी देर से वेट था, वो आखिर पे आया है, मैं सबके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ उसको। एक स्टूडेंट ने ये पूछा है कि सर हम इक्वेशन क्यों बना रहे हैं, हम सिंपल 20% ले लेते, 10% ले लेते। तो इसका जवाब सुन लें। अगर हम सिंपल 20% या 10% लेते हैं ना, 6600 का, जैसे ये देखें, ये इसने 6600 का ना 20% लेके इधर लिखा है ये चीज, फिर इसने इन दोनों का टोटल किया, अब 19920 का 10% ना इसने इधर लिख दिया, तो ये डिपार्टमेंट निल नहीं हुआ। जब हमने इसका टोटल किया तो ये निल नहीं हुआ, ये 398 बच गया, ये 40 बच गया। फिर 398 को डिवाइड किया तो 40 इधर आ गया, फिर 40 को डिवाइड किया 8 इधर आ गया, फिर 8 को डिवाइड किया 1 इधर आ गया। तो सिंपल परसेंटेज में हमें ये काम बार बार करना पड़ेगा, पता नहीं 10 दफा, पता नहीं 20 दफा, डिपेंड करता है डाटा कितना बड़ा है। अगर हम सिंपल परसेंटेज पे चलें तो हमें ये काम बार बार रिपीट करना होगा, फिर जाके आखिर पे जाके हम उसे जीरो कर पाएंगे, बल्कि आखिर पे जाके जबरदस्ती जीरो किया, ये वन सीधा सीधा उठा के फिनिशिंग में डाल दिया, हालांकि वन पूरा फिनिशिंग में नहीं जाना चाहिए था, ये कैंटीन के रेट से 30, 50 और 20 के हिसाब से जाना चाहिए था, तो फिर ये जबरदस्ती हमने जीरो किया। तो इसलिए हमने डायरेक्ट 20% 10% नहीं लेना, तो इक्वेशन से ही करना है। तो उम्मीद है आपको इसका जवाब समझ आ गया होगा। एक स्टूडेंट ने और सवाल पूछा है कि सर सर्विस को निल क्यों करना है, उसका जवाब मैं आपको दूंगा अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग जब मैं पढ़ाऊंगा ना, अभी अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स पे जब जाते हैं तो तब फिर मैं आपको उसकी लॉजिक बताऊंगा, अभी आप उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करें कि सर्विस को निल क्यों करना है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी उसी इलस्ट्रेशन पे, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 पे। अगेन बड़े ध्यान से आपने समझना है। अ कंपनी हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, अल्फा बीटा एंड गैमा, ये तीनों प्रोडक्शन है, अल्फा बीटा और गैमा, एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स एम एंड पी, मेंटेनेंस और पेरोल, दो डिपार्टमेंट है, एक का नाम एम है एक का नाम पी है। द फॉलोइंग टेबल शोज द कॉस्ट हैव बीन एलोकेटेड एंड रिलेटिव यूजेज। तो ये इन्होंने एलोकेटेड एंड अपोर्शन कॉस्ट दे दी है 3000, 4000, 2000, 2500, 2700 और ये परसेंटेज है, यानी एम जो है वो 20% अल्फा को चार्ज होता है, 30% बीटा को, 25% गैमा को, और अपने आप को कोई शेयर नहीं रखता, और 25% ही पी को चार्ज होता है। इसी तरह जो पी है वो 25% इसे चार्ज होता है, 25% इसे होता है, और 30% इसे, और 20% इसे, और इसका टोटल भी 100 बन रहा है और इसका टोटल भी 100 बन रहा है। तो ये कौन सा सिनेरियो हुआ, दोनों सर्विसेज एक दूसरे को कॉस्ट दे रहे हैं, तो ये रेसिप्रोकल मेथड हुआ। अच्छा, इस सवाल में दोनों चीजें परसेंटेज में ही है, ये देखें ये लिखा हुआ है, ये परसेंटेजेस हैं, 20% 30% 25% 25% तो 100%, इसी तरह पी का भी टोटल परसेंटेज में है। तो पिछले सवाल में एक डिपार्टमेंट परसेंटेज में था, एक परसेंटेज में नहीं था, तो हमने पहले उसकी परसेंटेज बनाई थी, इस सवाल में बनानी नहीं पड़ेगी। तो हम इसको कैसे करेंगे, सीधा वहां से शुरू कर लेते हैं। लेट टोटल ओवरहेड्स ऑफ एम इज इक्वल टू एक्स, यानी इसके ओवरहेड्स को सपोज करना होता है सर्विस के को, तो जो पहला डिपार्टमेंट था उसे मैंने एक्स कह दिया, और जो दूसरा डिपार्टमेंट है उसे मैंने वाई कह दिया। अब हर बच्चा एक्स की इक्वेशन बना के लिख ले, अपने पास लिख ले, एक्स की क्या इक्वेशन बनेगी,
अपने पेज पे लिख लें, और वाई की क्या क्वेश्चन बनेगी अपने पेज पे लिख लें आप। मैं जरा चेक, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना सीखा है आपने, आपको क्वेश्चन बनाना आ गई या नहीं। बनाएं, शाबाश, मैं आपको टाइम देता हूं 1 मिनट का। अच्छा, कुछ बच्चों ने मुझे यहाँ पे भी बना के भेज दी है, बाकियों ने उम्मीद है लिख लिया होगा अपने पेजेस पे। अब मैं बनाता हूँ, आप जरा देखिएगा। एक्स हमने कहा है एम को, तो जो एम के ओवरहेड्स हैं, यानी एक्स जो है वो बराबर होगा, उसके ऑलरेडी ओवरहेड हैं 2500, प्लस एम को शेयर आ रहा है 20%। कहाँ से आ रहा है? पी से, और पी को हमने नाम दिया है वाई का, तो ये बना 0.20 y, 20% ऑफ y। और इसी तरह जब y की इक्वेशन बनेगी तो वो बना 2700 प्लस 0.25 किसका? m का, और m को हमने x कहा है, तो ये इक्वेशन बन गई है। तो जिन्होंने ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक बनाई है उनको तो ये सारा समझ आ गया है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। जिनको कोई मसला रह गया, अगर इक्वेशन सही नहीं बनी तो वो दोबारा सुन लें। हमने दो डिपार्टमेंट्स थे सर्विस, एक को एक्स का नाम दे दिया, एक को वाई का नाम दे दिया। एक्स हमने कहा है एम को, तो एम जो है वो 2500 अपना है उसका, प्लस उसे 20% मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? पी से, तो पी को हमने वाई कहा है, इसलिए हमने 20% ऑफ वाई लिया। और इसी तरह वाई बराबर है 2700 के प्लस 25% ऑफ एक्स, तो ये इक्वेशन आ गई। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 2700 प्लस 25x। x की जगह पे मैं x की वैल्यू लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू दिस वन। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2700 ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, 2500 इंटू 0.25, तो ये बना 625। फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 0.25 इंटू 0.2, तो ये बना 0.05 y। y वाली चीजें एक तरफ कर लें, तो ये हो गया 2700 प्लस 625, 3325। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 0.95 y विल बी इक्वल टू 3325। तो y आ जाएगा 3325 डिवाइडेड बाय 0.95। तो 3500 आ गया जी वाई का आंसर। अच्छा, जब वाई का आंसर आ गया तो अब हम एक्स का आंसर भी निकाल सकते हैं। यहां पे पुट कर देते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2500 प्लस 0.20, और वाई का आंसर आया 3500, तो ये बना 2500 प्लस 700, तो ये एक्स का आंसर बन गया। दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 3200, तो एक्स भी आ गया वाई भी आ गया। जब एक्स और वाई आ जाए तो काम आसान हो गया। जी, एक्स और वाई की कैलकुलेशन उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। बस इक्वेशन जिसने बना ली है उसके लिए कोई मसला नहीं है। अब हमने इसको डायग्राम को फिल करना है।
हमारे पास एक डिपार्टमेंट है अल्फा, बीटा, गैमा, एम और पी। और इसी तरह अगर कॉलम एक बनाना चाहें तो टोटल का भी बना सकते हैं। एलोकेटेड एंड अपोर्शन उसने दिए हुए हैं आपको ऑलरेडी। क्वेश्चन से देख के लिख लेते हैं। 3,000, 4,000, 2,000। पच्चीस सौ और 2,700। अब हमने वन बाय वन इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। एम को हमने कहा था, एक्स कहा था ना एम को, तो एक्स का आंसर आया 3,200। तो हम 3,200 नेगेटिव में लिखेंगे। और 3,200 जो है वो किस तरीके से डिवाइड होगा, ये परसेंटेज दी हुई है 20%, 30%, 25%, 25%। तो 3,200 का जब आप 20% लेंगे तो वो बनेगा 640, वो यहाँ आ जाएगा 20%। और 3,200 का जब आप लेंगे 30% तो वो आएगा 960, वो यहाँ लिखेंगे। और 3,200 का जब आप 25% लेंगे तो वो बनेगा 800, और इधर भी 25% है तो 800। तो इस सारी लेन का टोटल जीरो आएगा। इसी तरह जब आप पी को डिवाइड करेंगे तो पी आपने वाई को कहा है, वाई का आंसर 3,500 है, तो आप पी के सामने 3,500 को नेगेटिव लिखेंगे। और पी की परसेंटेज क्वेश्चन में बताई हुई है 25% पहले दोनों को, 875 इसको और 875 इसको, ये लिखा हुआ है 25 25। फिर 30% गैमा को, तो वो बना 1050। और 20% जो है वो 700 बनता है, वो इधर आ गया। और एट द एंड इस लेन का टोटल भी नील हो गया। अब आप वन बाय वन हर डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स निकाल लें, लेकिन जो सर्विस वाले होंगे ना वो नील होंगे। 2700 और 800 को ऐड किया, 3,500 बना, 3,500 माइनस हुआ तो नील हो गया। इसी तरह 2,500 और 700 ऐड किया, 3,200 बना, तो 3,200 में से 3,200 माइनस हुआ तो जीरो हो गया। तो देखिए पहले स्टेप में ही ये नील हो गए हैं, वो बार बार रिपीट नहीं करना पड़ा। अच्छा जी, अल्फा बीटा गामा का टोटल कर लें। ये आ गया जी आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट लगा होगा, पहला सवाल था उसमें मैं ज्यादा डिटेल बता रहा था, आप कुछ सारी चीजें एवरीथिंग अलहदा अलहदा करके बताइए, इसलिए जरा लेंथी लगा था। अब सेम वही सवाल है, देखें कितनी जल्दी कर लिया, टाइम भी सेव कर लिया और हमें अब ये लेंथी प्रोसेस भी नहीं लगा। जी ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये इक्वेशन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। अभी इसके सॉल्यूशन पे आपको मैं दिखाता हूं कि इसने क्या सॉल्यूशन किया है इसका। ये देखें, ये उसी तरह उसने शीट बनाई रिपीटेड के हिसाब से कि बार बार ये करें, ज्यादा टाइम लगे। अच्छा, आगे उसने मेरा ख्याल है पूरा सॉल्यूशन नहीं दिया, वो अगले कॉन्सेप्ट पे आ गया। जी उस पे मैं बाद में जाता हूँ, ये क्योंकि टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग थी ना, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2, तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का आंसर चैप्टर एंड पे होता है, तो चैप्टर एंड पे भी देख के आंसर मैच कर लेते हैं। जी ये है जी,
ये एम का आंसर 3200 आया है, पी का आंसर 3500 आया है, और जब हमने इनका टोटल किया तो अल्फा का आंसर बना 4515, 5835 और 3850। तो ये आंसर था इसका। मेरा ख्याल है हमारे टैली है। जी सही है जी। तो यही हमने अभी इसको किया है सॉल्व, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू को। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। बाकी अभी इसके मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे, हमने एमसीक्यूज करने हैं, उसमें वो सारा तरीकाकार आएगा कि जी किस तरीके से होगा। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। घबराना नहीं है, बस आपने हौसला रखना है। ये अगर आपको चीजें आती हैं, जितना मर्जी लेंथी क्वेश्चन हो, इसको आप विद इन 2 मिनट्स कर सकते हैं अगर आपको सारा प्रोसेस आता है। आप अभी स्टूडेंट्स हैं, जाहिर है वो कॉन्फिडेंस लेवल आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाएगा आपका। मेन चीज है आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, और आप उसे बाद में रिपीट करें, रिवाइज करें, अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, फिर कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब यहाँ तक और कोई आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा, अब मैं आपको अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड समझाने लगा हूँ। जी, इमरान खान वाला घबराना नहीं, मैं कह रहा आप मेरे पे तो यकीन रखें, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। मुझे उम्मीद थी कि आप लोग उससे रिलेट करेंगे। ओके, अब मैं आपको पिछली इलस्ट्रेशन से ही एक कॉन्सेप्ट आगे लेके जाने लगा हूँ, जहां पे मैंने सॉल्यूशन दिया इसका। मेंटेनेंस कहाँ गया, ये वाला। अच्छा जी, यहाँ पे जरा एक बात सुनिएगा। ये तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स थे और ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट्स थे। हमारे पैसे लगे हैं, यानी फैक्ट्री के ओवरहेड्स इंकर हुए हैं पांचों डिपार्टमेंट्स पे। इनका अगर पांचों का अगर टोटल करें तो कितना बनता है, 3, 4, 7, 2, 9, 11, 13, 13,000 और 1200, 14,200 बनता है टोटल। इन तीनों का टोटल भी करें तो ये वही होगा, हमें पूरी उम्मीद है। जी बिल्कुल, 14,200 ही है। एक कंपनी का टोटल खर्चा 14,200 हुआ था फैक्ट्री ओवरहेड्स का, एलोकेटेड और अपोर्शन, यही होते हैं ना फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब ये 14,200 में से ये जो रकम है, ये वाली सर्विस वाली 2500 और 2700, ये 5200 बनता है। ये 5200 भी हमारा लगा है, हमने उस 5200 को प्रोडक्शन को चार्ज कर दिया। इसकी लॉजिक क्या है? वो जो सवाल था ना कि इनको नील क्यों करना है, अब मैं उसका जवाब देने लगा हूं कि मैंने इनको नील क्यों किया। देखिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स वो डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे प्रोडक्ट बनती है। अल्फा प्रोसेस में कुछ हुआ होगा, फिर वो बीटा प्रोसेस में गई, फिर उसके बाद वो गैमा प्रोसेस में गई, फिर जाके फिनिश गुड्स बनी। जैसे कल मैंने कहा था, कटिंग डिपार्टमेंट में कपड़ा कटा, फिर कटा हुआ कपड़ा स्टिचिंग में गया,
स्टिचिंग ने शर्ट बना के पैकेजिंग को भेज दी, तो तीन हिस्सों में प्रोसेस हुआ एक शर्ट बनाने का। तो इसी तरह आप ये समझ लें कि ये पहला प्रोसेस कटिंग था, दूसरा स्टिचिंग था, तीसरा पैकेजिंग था। तीनों डिपार्टमेंट्स में शर्ट बनने के दौरान गुजरी है। अब एम को समझ लें मेंटेनेंस है और पी को समझ लें पेरोल डिपार्टमेंट, जो उसने लिखा भी हुआ है। क्या शर्ट बनते हुए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से होके आई है? क्या पेरोल डिपार्टमेंट में शर्ट गई थी? या अगर एक डिपार्टमेंट कैंटीन है तो क्या कैंटीन में शर्ट प्रोसेस होने के लिए गई थी? यानी जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं ये प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। तो जब हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हमने उसमें ये ख्याल रखना होता है कि प्रोडक्ट पे कितने पैसे लगे। तो वो तो पता चल जाता है जी, कपड़ा इतने का था, बटन इतने के थे, थ्रेड इतने का था, स्टिचिंग इतने की थी, सीधी सीधी चीजें तो पता चल जाती हैं, वो डायरेक्ट हो गई। जो इनडायरेक्ट है वो हमने ओवरहेड्स में पढ़ लिया कि टोटल ओवरहेड्स इसके इतने बने हैं, इस डिपार्टमेंट के इसके इतने बने हैं, इसके इतने बने हैं। लेकिन वो सर्विस डिपार्टमेंट में तो शर्ट गई नहीं। तो लॉजिक ये है कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन शर्ट जहां जहां गई थी उस डिपार्टमेंट से ओवरहेड शर्ट को मिलने चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, ड्यूरिंग प्रोडक्शन शर्ट जिस जिस डिपार्टमेंट से गुजरी है प्रोडक्शन के दौरान, हर डिपार्टमेंट से ओवरहेड इसको चार्ज होने हैं। जैसे गाड़ी बनती है तो गाड़ी बनने के दौरान मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से गुजरती है, तो जिस जिस डिपार्टमेंट ने उस प्रोडक्ट पे काम किया है उस प्रोडक्ट को ओवरहेड चार्ज करने हैं। तो जो सर्विस डिपार्टमेंट है वहां तो ये गई नहीं। इसका मतलब है कि अगर सर्विसेज को निल ना किया जाता तो ये 5200 कौन बियर करता? ये जो 5200 सर्विसेज वाला है ये किसे चार्ज कराते हैं हम? इसीलिए ये पैसे तो हमारे अल्टीमेटली लगे हैं। तो हमने रूल बना लिया कि जो सर्विस डिपार्टमेंट्स होंगे उनको हम रीअपोर्शन कर दिया करेंगे प्रोडक्शन में, ताकि ये 5200 जो इंकर हुआ है सर्विसेज की मद में वो भी हमारा रिकवर हो जाए प्रोडक्ट से। अदरवाइज उसकी रिकवरी मुमकिन नहीं है, वो अदर एक्सपेंसेस में चला जाना था, वो प्रोडक्ट को चार्ज नहीं होना था। तो इसलिए सर्विसेज को निल कर दिया जाता है, सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में ऐड कर दी जाती है और प्रोडक्शन वालों का टोटल बना लिया जाता है। अब ये वाला जो टोटल आया है ना, ये आपके टोटल ओवरहेड्स हैं जो अब आपने प्रोडक्ट को चार्ज करने हैं। हालांकि देखें पहले कितने समझ रहे थे हम, 3000। इसके 3000 तो अपने हैं, लेकिन जो रीअपोर्शन होके इसे मिले तो टोटल बन गया 4515। अब हमने 4515 को चार्ज करना है। इसी तरह दूसरे डिपार्टमेंट के ये बन गए, तीसरे के ये बन गए। तो इस वजह से हम सर्विस डिपार्टमेंट को निल करते हैं, ताकि सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट प्रोडक्ट को चार्ज करवाई जा सके। ठीक है, अब इसका अगर थ्योरेटिकल एमसीक्यू बने तो क्या बनेगा? व्हाई वी चार्ज और री अपोर्शन सर्विस ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स, यानी क्वेश्चन बना व्हाई वी री अपोर्शन द सर्विस ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो आंसर में क्या होगा? बिकॉज द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट हैज टू बी चार्ज टू प्रोडक्ट्स। अच्छा यार एक बात, अब आप थोड़े बड़े हो जाएं, मेरे से बार बार एक तरह के सवाल ना पूछा करें। ये एक बच्चे ने बताया है जी, पूछ सॉरी, कहते हैं सर ये 0.95 कैसे कन्वर्ट हो गया? बेटा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप 5वीं पास से तेज हैं, 5 जमाते हैं आपने। तो मैंने पिछले सवाल में इसकी डिटेल कैलकुलेशन कराई थी, मैंने इसमें नहीं कराई कि शायद आप बड़े हो जाएं। तो मैंने वाई कॉमन लिया जी, 1 -0.05 ये बना, 3325 हो गया और ये बन गया जी 0.95। अब आप कैलकुलेटर लें, 1 में से 0.05 लेस कर लें, 0.95 बना। तो ये मैंने, ये एक समझे गलती कर दी थी कि मैंने एक स्टेप खा लिया।
ठीक है जी, तो ये आगे आपका वही बन गया। तो ये इतनी छोटी सी कैलकुलेशन जरा आप खुद देख लिया करें, तो फिर कोई मसला नहीं है जी। अब हम जी अब्सॉर्प्शन पे चलते हैं। बड़े ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब्सॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये लफ्ज आपने सुना होगा अब्सॉर्ब, क्या मतलब बनता है, आप क्या समझते हैं अब्सॉर्ब का क्या मतलब होता है, जरा कमेंट बॉक्स में बता दें। अब्सॉर्ब जी, शाबाश, एक बच्चे ने बताया टू टेक समथिंग, जज़्ब करना, जम हो जाना, ठीक है। इरेज भी एक बच्चे ने कह दिया है, अच्छा शायद कोई डिक्शनरी कहती हो कि इरेज भी होता है इसका मतलब। अच्छा एक बच्चे ने कहा है जी जैसे फाटा केपीके में जम हो गया है, ठीक है। मर्ज कर लेना, सो कप, अच्छा जी, जो आपके जेहन में मतलब है ना, ये ऑलमोस्ट वही है। अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स का मतलब है चार्जिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स टू अ प्रोडक्ट। ऑन अप्रोप्रिएट बेस, अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स का मतलब बना जी चार्जिंग ऑफ चार्जिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स टू अ प्रोडक्ट ऑन अप्रोप्रिएट बेस। मैंने कहा कि जैसे प्रोडक्ट बनते हुए अल्फा बीटा गैमा में गई, अल्फा से एक शर्ट को कितने ओवरहेड्स आने चाहिए ये फाइंड करना है, बीटा से एक शर्ट को कितने ओवरहेड्स आने चाहिए ये फाइंड करना है, और गैमा से एक शर्ट को कितने ओवरहेड्स आने चाहिए ये फाइंड करना है। तो इसी चीज को अब्सॉर्प्शन कहते हैं, यानी प्रोडक्शन के दौरान प्रोडक्ट जिस जिस डिपार्टमेंट में गई है उस हर उस डिपार्टमेंट से एक प्रोडक्ट के हिस्से में कितने ओवरहेड्स आएंगे ये हमने फाइंड करना है, और यही अब्सॉर्प्शन है। तो थ्योरेटिकल एमसीक्यू आ सकता है कि अब्सॉर्प्शन क्या है, चार्जिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स टू अ प्रोडक्ट ऑन अप्रोप्रिएट बेस, क्योंकि जब भी किसी को कोई चीज चार्ज करनी है ना उसकी एक सूटेबल बेस होनी चाहिए। जैसे आईसीएम में आपसे फी चार्ज करता है, तो कोचिंग फी पर सब्जेक्ट है, आपको पता है, कोई वेग टर्मिनोलॉजी नहीं है कि किसी से इतने ले लिए किसी से इतने ले लिए, तो एक अप्रोप्रिएट बेस है। तो हमेशा आपने भी जब ओवरहेड चार्ज करने हैं तो अप्रोप्रिएट बेस होनी चाहिए। अब वो कैसे कैलकुलेट होंगे वो अब फार्मूला लिख लेते हैं। अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स विल बी इक्वल टू ओ ए आर इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। ये फार्मूला हमने यूज करना है इन ऑर्डर टू फाइंड अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स। अब इस फॉर्मूला में दो चीजें आई हैं, एक ओ ए आर, अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं व्हाट इज ओ ए आर। ओवरहेड्स अब्सॉर्प्शन रेट
यानी ओवरहेड्स किस रेट पे चार्ज होंगे वो ओएआर कहलाएगा। ये ओएआर अगर क्वेश्चन में गिवन हो, लेवल गिवन हो, मल्टीप्लाई करना है आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको पता है जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती कि सिर्फ जरा भी देनी हो। ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट हमें मोस्टली कैलकुलेट करना पड़ता है, और इसका फॉर्मूला है बजटेड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल या बेस, बजटेड बेस का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बजटेड एक्टिविटी लेवल का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अब बजटेड का क्या मतलब है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। प्लैंड, अभी हमने एक इलस्ट्रेशन की, आई थिंक यहां पे ये जो आंसर आया ना एम का, अल्फा का सॉरी, ये बजटेड ओवरहेड है अल्फा के, ये बजटेड ओवरहेड्स हैं बीटा के, ये बजटेड ओवरहेड्स हैं गैमा के। यानी एलोकेशन हो गई, अपोर्शनमेंट हो गई, री अपोर्शनमेंट होगी, इन तीनों को जब हम जमा करेंगे तो जो आंसर बनेगा वो टोटल ओवरहेड्स हैं, और ये प्लैंड है। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें लिखा था प्लैंड ओवरहेड्स फॉर द नेक्स्ट पीरियड, तो वो बजटेड हो गए। तो इसका मतलब है रेट हमेशा बजटेड डाटा से निकालना है। तो बजटेड ओवरहेड ले लेने आपने और बजटेड लेवल ले लेना। अब जितने डिपार्टमेंट्स होंगे उतने रेट निकलेंगे। जैसे अगर यही क्वेश्चन है तो तीन रेट निकालने हैं, अल्फा का रेट और होगा, बीटा का रेट और होगा, गैमा का रेट और होगा। तो इसको कहते हैं डिपार्टमेंटल रेट। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, डिपार्टमेंटल रेट, यानी मैंने हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रेट फाइंड करना है, तो ये डिपार्टमेंटल रेट कहलाएगा। तो बजटेड ओवरहेड्स पहले डिपार्टमेंट के, उसको डिवाइड कर दें बजटेड बेस के साथ। अब ये बजटेड बेस क्या चीज है, ये एक्टिविटी लेवल है जी। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट देता हूँ, ये लेस देन 1 मिनट का सवाल होता है, लेकिन क्योंकि अभी मैं समझा रहा हूं तो मैं इसको मैक्सिमम डिटेल में समझा रहा हूं, तो इसलिए आपको लगेगा कि शायद पता नहीं इसमें क्या क्या है। बजटेड एक्टिविटी लेवल और बजटेड बेस, देखो जैसे आपने पेट्रोल खरीदना हो तो वो लीटर के हिसाब से मिलता है, एग्स बाय करने हैं तो वो डजन के हिसाब से मिलते हैं। हर चीज का एक मेजरिंग यूनिट है जिसको हमने शुरू में कॉस्ट यूनिट के नाम से डिफाइन किया था। ओवरहेड्स भी जब चार्ज कराए जाते हैं ना तो इसकी भी कोई बेस सूटेबल होनी चाहिए। जो सूटेबल बेसिस हैं वो मैक्सिमम 6 हैं जो आपके सिलेबस में टेस्ट हो सकते हैं। नंबर 1, बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स, यानी आपने हिसाब लगाया कि मैं कितने यूनिट्स बनाऊंगा। तो अगर आप बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स को बेस बनाएंगे तो जो आपका ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट निकलेगा, यहां देखिएगा स्क्रीन में, ये डॉलर है, ये यूनिट्स होंगे अगर, तो ये आंसर आएगा डॉलर पर यूनिट।
जी, तो बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स को बेस बनाया जा सकता है। तो इस सूरत में डॉलर, यहाँ पे कोई डॉलर अमाउंट होगी, सपोज कर लेता हूँ समझाने के लिए कि 10,000 है, और आपने यूनिट्स जो हैं वो सपोज कर लिए कि मैंने बनाने थे इस पीरियड में 5,000 यूनिट्स। ये गिवन होगा क्वेश्चन में दोनों चीजें ना, तो ये आ जाएगा $2 पर यूनिट। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी थी कि आपका जो रेट निकलेगा वो $2 पर यूनिट होगा, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। अच्छा, अगर बेस मशीन आवर्स हैं, समटाइम ऐसा होता है कि आपकी फैक्ट्री में मशीन्स काम करती हैं, तो फिर बेस मशीन आवर्स ले ली जाती हैं, बजटेड मशीन आवर्स। तो अब देखें, अब यहाँ पे आपके यूनिट्स की बजाय क्या चीज आ जाएगी, मशीन आवर्स आ जाएंगे। तो अब जो आपका रेट निकलेगा वो निकलेगा $1 पर मशीन आवर, यानी मशीन के 1 घंटे के अगेंस्ट इतने डॉलर के ओवरहेड्स हैं। जैसे गाड़ियां बनती हैं तो रिबोट बनाते हैं, मशीन्स बनाती हैं, तो मशीन आवर्स। तो वहां पे फिर सूटेबल बेस मशीन आवर्स होगी। इसी तरह जहां पे लेबर काम करती है, तो बजटेड लेबर आवर्स को बेस बनाया जाता है वहां पे। तो डॉलर पर डायरेक्ट लेबर आवर। अभी तक मैंने आपको बताई कि प्रोडक्शन यूनिट्स को बेस लिया जा सकता है, मशीन आवर्स को बेस लिया जा सकता है, लेबर आवर्स को बेस लिया जा सकता है। अगर यूनिट्स को एज अ बेस रखा तो आंसर होगा $1 पर यूनिट, अगर मशीन आवर्स को बेस रखा तो आंसर होगा $1 पर मशीन आवर, और अगर लेबर को बेस रखा तो $1 पर लेबर आवर। आप बेस में बजटेड मटेरियल कॉस्ट भी ले सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी इंडस्ट्री ऐसी है कि वहां पे ओवरहेड्स को मटेरियल की कॉस्ट पे बेस कराना है, तो फिर देखें फिर क्या होगा। फिर ये जो फार्मूला है, ऊपर भी डॉलर है नीचे भी डॉलर है, तो यहाँ डॉलर से डॉलर कैंसिल हो रहा है। जब आप यहाँ पे बजटेड मटेरियल कॉस्ट लिखेंगे, सपोज करने के लिए $10,000, और आपने कहा मैं लेबर की मटेरियल की कॉस्ट पे बेस, तो मटेरियल की कॉस्ट भी आपको दी हुई थी, सपोज कर लेते हैं 8। ऊपर वाले तीनों केसेस में आंसर के साथ डॉलर बच रहा था, लेकिन अब नीचे भी डॉलर है ऊपर भी डॉलर है, डॉलर से डॉलर कैंसिल हो गया, अब आंसर में डॉलर नहीं है। तो इसे मीनिंगफुल बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बना परसेंटेज। किसकी परसेंटेज? जो चीज बेस में थी, यानी परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो अगर आपने मटेरियल कॉस्ट को बेस बनाया, कौन से मटेरियल कॉस्ट को? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को, तो ये भी बेस यूज की जा सकती है। पांचवी चीज, आप बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को भी बेस बना सकते हैं। तो इस केस में आपका जो ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट होगा वो होगा परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जैसे ऊपर मैंने आपको समझाया है, वही लॉजिक है कि डॉलर से डॉलर कैंसिल हो जाएगा। और जो लास्ट बेस है वो है प्राइम कॉस्ट। तो आप बजटेड प्राइम कॉस्ट को भी एज अ बेस ले सकते हैं। तो इस चीज सूरत में आपका आंसर अगेन परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट आएगा। अब प्राइम कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बेटा ये 6 मैक्सिमम बेसिस हैं जो आपसे टेस्ट
टेस्ट की जा सकती हैं आपके फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में। एक सवाल में एक बेस होती है, या ऐसा हो सकता है कि अल्फा के लिए यूनिट्स को बेस बना लें, बीटा के लिए मशीन आवर्स को बेस बना लें, और गैमा के लिए लेबर आवर्स को बेस बना लें। क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जहां पे मशीन काम करती है, कुछ ऐसे होते हैं जहां पे लेबर काम करती है। जैसे शर्ट की एग्जांपल है, तो कटिंग कौन करेगा? टेलर, लेबर। तो कटिंग डिपार्टमेंट के लिए सूटेबल बेस लेबर है। स्टिचिंग मशीन्स का ज्यादा काम है, मशीन का एक्सपेंस ज्यादा है, तो मशीन आवर्स को बेस बना लें। पैकेजिंग में अगेन लेबर पैक करती है अगर, तो लेबर आवर्स हो जाएंगे। तो इट मींस जो सूटेबल बेस होगी हम उसे एज अ बेस सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हम सवाल करेंगे जब, तो वहां पे ये बेस सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। आपने अभी याद क्या रखना है, जितना पढ़ा दिया है इसमें से अगर एमसीक्यू आए तो वो बेसिस पूछ सकता है कि कौन कौन सी बेसिस हैं। तो बजटेड यूनिट्स हो सकते हैं, बजटेड मशीन आवर्स हो सकते हैं, लेबर आवर्स हो सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो सकती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो सकती है, प्राइम कॉस्ट हो सकती है। और जो ऊपर वाली तीनों चीजें हैं उसमें आंसर डॉलर पर यूनिट पर मशीन आवर या पर लेबर आवर आता है। और जो कॉस्ट वाली चीजें हैं वहां पे परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, जब आपके पास बजटेड ओवरहेड भी हो, बजटेड बेस भी हो, तो आप रेट निकाल सकते हैं। तो जब रेट आ गया तो उस रेट को एक्चुअल लेवल से मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आएगा वो अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स होंगे। अब मैं आपको बुक पे लेके चलता हूँ, वहां पे देखते हैं कि उसने यही बातें आपको वहां पे समझाएंगे। ये आ गया जी, सबसे पहले ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट तो हम कर चुके हैं। बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड अब्सॉर्प्शन बेसिस, यानी जिस बेस पे आपने ओवरहेड्स को कैलकुलेट करना है। ये डिपार्टमेंटल ओवरहेड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि हर डिपार्टमेंट का सेपरेट होता है। अब ये वो बात कर रहे हैं कि मशीनिंग डिपार्टमेंट है तो उसमें मशीन आवर्स को यूज कर लें, अगर लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट है तो लेबर आवर्स को यूज कर लें। तो ये वही कॉन्सेप्ट बता दिया जो मैं आपका बना चुका हूं कि जो डिपार्टमेंट की नेचर है उस नेचर के अकॉर्डिंगली आपने बेस सेलेक्ट करनी है। तो ये इस तरीके से होगा। इसी तरह अगर प्राइम कॉस्ट है तो फिर आपके पास डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो प्राइम कॉस्ट को भी एज अ बेस बना सकते हैं। अब ये देखते हैं ये सवाल क्या था, मैंने इसको पूरा पढ़ा नहीं। आर एस लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स अ कम प्रोडक्ट, पी प्रोडक्ट का नाम पी है, उस पे लेबर के इतने खर्चे हैं, मटेरियल के इतने हैं, एक्सपेंस इतने हैं, प्राइम कॉस्ट इतनी है। आर एस लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 1000 यूनिट्स इन अ मंथ, हमने एक महीने में 1000 यूनिट बनाते हैं। आर एस अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी उसने हमें खुद से बता दिया कि मैंने बेस क्या लेनी है, यूनिट्स लेने हैं। इसका मतलब है ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट जो है वो बजटेड यूनिट्स की बेस पे आपने कैलकुलेट करने हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं बची कि मैंने किस बेस पे अब्सॉर्ब करना है। बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस उसने कहा कि मेरे जो मंथली ओवरहेड्स हैं, हीटिंग का इतना खर्चा है, पावर का इतना है, मेंटेनेंस का इतना है, तो टोटल ओवरहेड्स इतने हैं। द ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच यूनिट ऑफ पी इज, अब देखो ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट का फार्मूला आपको बताया था ना, ये वही रेट ही पूछ रहा है। तो इसका क्या फार्मूला था, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। ओवरहेड्स कितने हैं, 5500, उसने लिखा हुआ है सवाल में कि 5500 हैं ये वाले। और उसने पिछले पेज पे क्या बताया, किस बेस पे अब्सॉर्ब होने हैं, यूनिट्स की बेस पे, तो यूनिट्स कितने हैं, 1000 है, तो यूनिट्स भी उसने दे दिए। तो इसका मतलब है ये डॉलर फिगर है, ये यूनिट्स हैं, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा $5.5 पर यूनिट। तो यहाँ पे 5.5 लिख देंगे कि एक यूनिट के अगेंस्ट ओवरहेड्स 5.5 है।
अगली चीज क्या कहता है, कहता प्रोडक्ट की कॉस्ट बता दें। तो आपको मैंने कल जब पढ़ाया था तो वहां पे बताया था ना कि प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स। तो देखिए प्राइम कॉस्ट उसकी इतनी है, तो इसके अंदर सिर्फ मुझे पर यूनिट ओवरहेड ऐड करने तो कितना हो जाएगा, 21.5। तो ये आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट आ गई। तो जहां पे प्रोडक्ट की कॉस्ट लिखी है वहां पे 21.5 होगा, और जहां पे ओवरहेड्स लिखा था वहां पे जस्ट 5.5। तो ये देख लेते हैं, ये देखें ये 5.5 आ गया, ये 21.5 आ गया। तो देखे काम कितना आसान है, सिर्फ समझाने में टाइम लगा है, आगे काम मुश्किल नहीं है। चलें ये तो पहला सवाल था, अगला कोई सवाल देखते हैं। ये नीचे कैलकुलेशन डिटेल भी की हुई है कि प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड इज इक्वल टू प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा जी, ये अब जरा थोड़े से लेंथी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी लिमिटेड मेक्स थ्री प्रोडक्ट्स ए बी सी, ईच पासिस थ्रू टू डिपार्टमेंट्स मशीनिंग एंड असेंबली। जी, तो प्रोडक्ट्स हैं ए बी सी, ये मशीनिंग आर्स हैं, ये असेंबली आर्स हैं। दो डिपार्टमेंट्स हैं मशीनिंग और असेंबली। मशीनिंग के इतने ओवरहेड्स हैं, ये लिखा हुआ है ओवरहेड्स आर बजटेड, मशीनिंग के ये हैं असेंबली के ये हैं। अब वो कहता है कि मुझे रेट बताएं मशीनिंग का पर आर, ये क्या ब्लैंक क्या आ रहा है, मशीन डिपार्टमेंट ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट पर आर। अच्छा, ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट फॉर्मूला है बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। बजटेड ओवरहेड्स, अब आपको मैंने बताया कि जितने डिपार्टमेंट्स होंगे ना, हर डिपार्टमेंट का अलहदा से होगा। तो मशीनिंग को पहले देखते हैं, मशीनिंग के बजटेड ओवरहेड्स हैं 100,000। अब मशीनिंग की बेस क्या होनी चाहिए, इसके नाम से ही जाहिर है मशीनिंग, तो मशीन आवर्स। अब मशीन आवर्स मुझे टोटल में दिए होने चाहिए थे लेकिन दिए नहीं है, उसने पर यूनिट दिया हुआ है 1 आवर 2 आवर नन। इसका मतलब है कि मुझे पहले मशीन आवर्स बनाने हैं। अब मैं मशीन आवर्स बनाने की कोशिश करता हूं, मशीन आवर्स आपकी तीन प्रोडक्ट्स हैं ए बी सी। ए के आपने 1,000 यूनिट बनाने हैं, ठीक है, बी के आपने 2,000 यूनिट बनाने हैं, और सी के आपने 500 बनाने हैं। ए जो है वो कितने मशीन आवर्स लेता है, 1। तो इसका मतलब है इसे 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मशीन आवर्स आपके बन जाएंगे 1,000 आवर्स। प्रोडक्ट बी कितने घंटे लेती है, 2, टू इंटू टू होगा 4,000। और प्रोडक्ट सी कितने मशीन आवर्स लेती है, 0, नन, तो 0। इसका मतलब है कि आपके टोटल मशीन आवर्स 5,000 थे। अब देखें सवाल के अंदर टोटल नहीं दिए थे, हमने खुद से निकाल लिए, तो इसका मतलब है कि टोटल बेस हमें फाइंड करना पड़ जाएगी अगर वो टोटल में ना हो। तो ये क्या थे, मशीन आवर्स थे, और आंसर क्या आ जाएगा, $20 पर मशीन आवर, यानी एक घंटे के अगेंस्ट $20 जो है वो आपके ओवरहेड्स होंगे। तो यहां पे मैं 20 लिखूंगा। अच्छा, असेंबली में क्या कहता है, असेंबली डिपार्टमेंट, असेंबल का मतलब होता है चीजों को जोड़ना, तो जाहिर है लेबर आवर्स होंगे असेंबल करने के, अगर लेबर करती है, अगर मशीन करती है तो वो मशीन के आवर्स होंगे। तो अब अगेन उसी तरह असेंबली का रेट भी निकालना है, तो असेंबली का रेट यहां निकाल लेते हैं। असेंबली का ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट, बजटेड ओवरहेड्स असेंबली डिपार्टमेंट के बजटेड ओवरहेड्स दिए हुए हैं 1,50,000। अब इसके भी टोटल आवर्स नहीं है,
तो मैं बना लूंगा, मुझे आते हैं। ए का मैंने 1000 बनाना है, बी का 2000 और सी के 500। अच्छा, असेंबली का टाइम अब लेना है। अक्सर स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि असेंबली के लिए मशीनिंग वाला डाटा यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ए के लिए 1 आवर चाहिए, बी के लिए 1/2 आवर, 1/2 का मतलब है 1/2 आवर, और इसके लिए 4 आवर्स। तो इसके आवर्स बन जाएंगे जी 1000, इसके भी 1000 बन जाएंगे, और इसके कितने हो जाएंगे 2000, इसका मतलब है 4000 हो गए टोटल टोटल आवर्स। तो ये बेस हो गई, इसको कर दें डिवाइड, तो ये पर आर रेट आ जाए। तो यहां पे हम लिख देंगे 37.5। जी, दोनों डिपार्टमेंट्स का रेट समझ आ गया। तीसरे में कहता ब्लैंकेट रेट। अच्छा, ब्लैंकेट रेट अभी तक डिस्कस नहीं हुआ था, लेकिन ब्लैंकेट रेट का मतलब है कि पूरी फैक्ट्री का सिंगल रेट। मैं रिपीट करता हूं, ब्लैंकेट रेट का मतलब है पूरी फैक्ट्री का सिंगल रेट। अभी हम पहले क्या कर रहे थे, दोनों को अलग अलग ट्रीट कर रहे थे, अब हमने इकट्ठा करना है। तो इसका मतलब है फैक्ट्री के टोटल ओवरहेड्स कितने हो गए, 2.5 लाख। अगर हम इकट्ठा करके सिंगल रेट निकालें तो इसका नाम होगा ब्लैंकेट रेट, और 2.5 लाख हुआ ये। तो अब हमने सिंगल रेट निकालना है, ब्लैंकेट रेट। जी, मैं इधर प्रॉपर सॉल्यूशन करता हूं इसका, ब्लैंकेट ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट। फार्मूला वही, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। अब क्योंकि ये ब्लैंकेट रेट है तो सबका टोटल कर लें। एक था 100,000, एक था 150,000। 100,000 वाले की बेस थी 5,000 और 150 वाले की बेस थी 4,000। तो इसका मतलब है ये हो गया 250,000 डिवाइडेड बाय 9,000। तो यहां से जब रेट निकलेगा तो वो हो जाएगा जी 27.78 पर आर। तो यहां पे फिर हम ये लिख देंगे 27.78। मैं रिपीट कर देता हूं, ब्लैंकेट रेट में हमने सिंगल रेट निकालना है, अलहदा अलहदा रेट नहीं निकालना। तो इसलिए आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लेनी है कि डिपार्टमेंटल रेट है या ब्लैंकेट रेट है। तो ब्लैंकेट में आपने बजटेड ओवरहेड कॉस्ट टोटल ले लेनी है पूरी फैक्ट्री की। तीन डिपार्टमेंट्स हैं तो तीनों को ऐड कर लेना है, चार हैं तो चारों को ऐड कर लेना है, और दो हैं तो दोनों को ऐड कर लेना। और दोनों की बेसिस अलहदा अलहदा दी हुई थी या हमने फाइंड कर ली थी, तो 5,000 और 4,000 दो बेसिस थी, बेसिस को भी ऐड कर लिया तो ये आ गया। अच्छा, आखिरी चीज क्या रह गई है, ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड बाय द प्रोडक्ट बी। कहता है प्रोडक्ट बी के ओवरहेड्स बताएं यूजिंग डिपार्टमेंटल रेट। इस रिक्वायरमेंट को गौर से देख लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स कैलकुलेट करने लगे हम, ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड बाय प्रोडक्ट बी। कहता है जो प्रोडक्ट बी है ना उसके ओवरहेड्स बताएं कौन से मेथड से, यूजिंग सेपरेट डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट। यानी ब्लैंकेट रेट से नहीं करना, सेपरेट रेट से करना है। तो अब मैंने आपको लॉजिक बताई थी कि जिस प्रोडक्ट के आपने ओवरहेड फाइंड करने हैं, हमने ये देखना है वो कहाँ कहाँ गई ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो एक मशीनिंग डिपार्टमेंट में गई और एक असेंबली डिपार्टमेंट में गई। अच्छा, मशीनिंग का हमने रेट निकाला था, मशीनिंग का रेट निकाला $20 पर आर। मशीनिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट इज $20 पर आर, और हमने असेंबली डिपार्टमेंट का भी रेट फाइंड किया हुआ है, वो हमने फाइंड किया था 37.5 पर आर। अच्छा,
हम कौन सी प्रोडक्ट के ओवरहेड फाइंड करने जा रहे हैं? बी के। जो बी है क्वेश्चन को देखते हैं, जो प्रोडक्ट बी है ये है प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी मशीनिंग में कितना टाइम लेती है? 2 आवर्स। और असेंबली में कितना टाइम लेती है? हाफ एन आवर। तो इसका मतलब है मशीनिंग में उसने 2 घंटे काम करवाया तो $40 बन जाएंगे इसके, और इधर इसने आधा घंटा काम करवाया तो इसके हाफ कर लें। इसका मतलब है टोटल ओवरहेड्स कितने बने किसके? प्रोडक्ट बी के। तो यहां पे मैं लिखूंगा 58.75। मैं इस कैलकुलेशन को रिपीट करता हूं। हमने प्रोडक्ट बी के ओवरहेड्स फाइंड करने थे, तो हमने देखा, क्वेश्चन को पढ़ा, समझा, तो पता चला कि प्रोडक्ट बी ड्यूरिंग प्रोडक्शन 2 डिपार्टमेंट से गुजरती है, मशीनिंग और असेंबली। तो इसका मतलब है लॉजिक के तहत मशीनिंग से भी ओवरहेड मिलने चाहिए, इसे असेंबली से भी मिलने चाहिए। हमने मशीनिंग के ओवरहेड्स का रेट निकाल लिया था, असेंबली का भी निकाल लिया था, पर आर रेट था दोनों का। तो अब हमें क्वेश्चन से ढूंढना है कि प्रोडक्ट बी मशीनिंग में कितना टाइम रिक्वायर करती है और प्रोडक्ट बी असेंबली में कितना टाइम रिक्वायर करती है। तो हमने जब देखा तो पता चला मशीनिंग में 2 आवर्स है, इसलिए मशीनिंग के रेट को 2 से जरब दे दी, और असेंबली में हाफ एन आवर है तो उसे हाफ कर लिया। तो ये इस तरीके से प्रोडक्ट बी के ओवरहेड्स निकल सकते हैं। तो मुझे जरा अब आप प्रोडक्ट ए के ओवरहेड्स कैलकुलेट करके जरा बताएं, कमेंट बॉक्स में बता दें। बस ये आज आखिरी काम है आपका, अभी करें। प्रोडक्ट ए के क्या ओवरहेड्स होंगे? मैं आपके सामने ये स्क्रीन कर देता हूं, ये रेट वगैरह आपके सामने कैलकुलेट हुए हुए हैं। मशीनिंग का रेट ये है और असेंबली का रेट ये है, और मैंने आपसे कहा है कि प्रोडक्ट ए के ओवरहेड्स बता दें, और ये आपको लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट ए का डाटा भी नजर आ रहा है। अच्छा जी, माशाल्लाह, एक बच्चे ने बता भी दिया है, 2 हो गए जी। ठीक है, चार बच्चों ने 5, शाबाश, गुड। खुद कैलकुलेट करके बताना है, एक दूसरे का देख के नहीं टाइप कर जाना जी। शाबाश, बहुत जी आसान ही है। मीटिंग ये 20 के कौन सा आ गया? 20 नहीं, 37 पॉइंट, हाँ ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 57.5 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 1 आर था तो 20 × 1 हुआ तो 20 हो गया, 37.5 × 1 हुआ तो वो 37.5 ही आ गया। दोनों का टोटल करेंगे तो 57.5 बन जाएगा। ओके, अब प्रोडक्ट सी का क्या होगा? प्रोडक्ट सी डेटा आपके सामने है, प्रोडक्ट सी का अब आपने बताना है ओवरहेड्स क्या होंगे। प्रोडक्ट सी एक बच्चे ने गलत बता दिया, 170 बता दिया। 170 नहीं है जी, 170 वाला जरा गौर करें कि क्यों 170 नहीं है जी। 150, शाबाश, बिल्कुल सही है। क्योंकि प्रोडक्ट सी जो है ना वो मशीनिंग में कोई टाइम नहीं लेती, 0, तो 20 × 0 करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, और 37.5 × 4 करेंगे तो
तो वो 150 हो जाएगा। तो 150 है, इसका आंसर है प्रोडक्ट सी का। अच्छा, अब आपने बुक से इसको ध्यान से पढ़ लेना है, यही आगे सारी डिटेल्ड वर्किंग की हुई है, आप मैच कर लीजिएगा। ये सिंगल सिंगल रेट है, ये ब्लैंकेट रेट है। तो आपने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 आप कर सकेंगे, बल्कि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट देख लेने दें जी, आप 3 कर सकेंगे, 3 में कोई ऐसा मसला नहीं है। यहां तक आपने काम करना है, ये अंडर ओवर की तरफ नहीं जाना, इससे फिर इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 जो है ये आपने करना है, लेकिन पहले आज का सारा लेक्चर रिवाइज कर लो। क्वेश्चंस मैंने आपके सारे आंसर कर दिए हैं। एक क्वेश्चन है जी, अगर बेस सेम ना हो तो ब्लैंकेट रेट कैसे निकलेगा? जैसे कि इस सवाल में देखें कि दोनों की बेस ना आर्स थी, तो हमने आर्स को आर्स में ऐड कर लिया। अगर एक चीज आर्स हो एक चीज यूनिट्स हो, तो फिर वो बताएगा कि ब्लैंकेट रेट के लिए कौन सी चीज बेस लेनी है। क्योंकि आपको मैंने एक दिन पहले बताया था ना कि अगर हमारे पास 2 चेयर्स हैं और 2 टेबल हैं, हम दोनों को ऐड करें तो वो 4 आंसर, तो आप 4 कह देंगे, लेकिन क्या वो 4 टेबल हैं या 4 चेयर्स हैं? तो 2 डिफरेंट चीजें हों तो वो आपस में ऐड नहीं हो सकती। इसलिए ब्लैंकेट रेट के लिए फिर वो आपको क्वेश्चन गाइड कर देगा कि भाई ब्लैंकेट रेट जब आपने यूज करना है ना, तो आपने बेस यूनिट्स लेनी है या आर्स लेने हैं। वो क्वेश्चन गाइड कर देगा, आप पे वो बर्डन नहीं डालेगा कि आप खुद से डिसाइड करें, क्योंकि 2 डिफरेंट चीजें हों तो वो डिसाइड करना ऐड नहीं हो सकता। जी ठीक है जी, तो ये हमने इसकी सारी कैलकुलेशंस की थी, ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 आपने करना है, यहाँ तक का आपका काम है, फिर आगे कल इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।